सब्सक्राइब कीजिए पासी चैंप चैनल को, साथ ही प्रेस कीजिए इस बेल आइकन को लेटेस्ट मेडिकल टॉपिक सबसे पहले देखने के लिए। सोर थ्रोट होने के क्या कारण होते हैं, साथ ही सोर थ्रोट के साइन और सिम्टम्स और इसका ट्रीटमेंट क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ कर सकते हो या फिर कौन कौन सी इसकी होम रेमेडीज़ होती है। तो वेलकम बैक गाइस टू पासीचैम चैनल, और बिना किसी डिले के आज की ये वीडियो शुरू करते हैं। तो गाइस देखिए, सोर थ्रोट को कई बारी गले में खराश के नाम से या फिर गले में दर्द के नाम से भी जानते हैं, लेकिन अगर मैं इसे मेडिकली बताऊं तो इसे मेडिकली फेरेंजाइटिस के नाम से जाना जाता है। और फेरेंजाइटिस का मतलब है जो आपके फेरिंग्स हैं उनमें इन्फ्लामेशन का होना। तो अब फटाफट जानते हैं कि सोर थ्रोट होने के कौन कौन से कारण होते हैं, मतलब गले में खराश किन कारणों से होती है। तो गाइस जो सबसे बड़ा कारण है गले में खराश होने का वो है वायरल इन्फेक्शन, दूसरे नंबर पर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और तीसरे नंबर पर है एलर्जी या फिर आपका जो लाइफस्टाइल है उसके कारण भी आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है। तो काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं जिसके कारण आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम हो सकती है। अब फटाफट चलते हैं इसके साइन और सिम्टम्स की तरफ। तो गाइस सोर थ्रोट होने पर आपको निगलने में सबसे ज़्यादा कठिनाई होती है, आपको गले में स्क्रैच जैसा महसूस होता है, गले में खराश कुछ अटका सा महसूस होता है गले में। जब आप कोई भी चीज़ निगलोगे, चाहे वो पानी हो, यहाँ तक कि आपका सलाइवा थूक तक हो, तो भी आपको गले में दर्द सा महसूस होता है। और बोलने में कई बारी कठिनाई होती है, जब आप बोलोगे तो आपको बोलने में बहुत ज़्यादा कठिनाई होगी, जैसे ही आप बोलना शुरू करोगे आपके गले में दर्द होने लग जाएगा, कई बारी बोलने पर आवाज़ भी बैठ जाती है। जब आप अपने गले को मिरर में देखते हो या फिर गले का एग्जामिनेशन करने पर गले में रेडनेस दिखाई देती है, कई बारी इन्फेक्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि वहाँ से पस टाइप का भी निकलता है, पस फॉर्मेशन हो जाता है, और जो टॉन्सिल्स होते हैं उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है, और इसके आसपास के जो ऑर्गन्स हैं चाहे वो टॉन्सिल्स हो या फिर लैरिंग्स हो, वो भी इन्फेक्टेड हो जाता है, उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। ओके, तो ये तो इसके कुछ साइन और सिम्टम्स थे फिजिकली, लेकिन जब आपको सोर थ्रोट की प्रॉब्लम होती है तो आपका बॉडी का टेम्परेचर बढ़ जाता है, शरीर में कमजोरी महसूस होती है, खाना खाने में, निगलने में, स्वेलो करने में आपको डिफ़िकल्टी महसूस होती है, कई बारी जो नेक के टिश्यूज़ हैं, नेक के रीज़न का एरिया है उसमें भी सूजन आ जाती है और आप इजीली उसको देख सकते हो। क्लिनिकली जब कोई पेशेंट सोर थ्रोट का आता है तो स्टेथोस्कोप को लगाकर भी साउंड्स के माध्यम से आप इजीली देख सकते हो कि सोर थ्रोट कितनी ज़्यादा ग्रेड का है। साथ ही टंग डिप्रेसर से जीभ को नीचे दबाकर जब आप उसके गले को चेक करोगे तो वहाँ पर आपको वाइट पैचेस दिखाई देगा, साथ ही पस भी आपको दिखाई देगी, रेडनेस होगी, जो टॉन्सिल्स थे उनमें भी इन्फ्लामेशन हो जाती है। तो क्लिनिकली ऐसे सोर थ्रोट को आप इजीली देख सकते हो। और साथ ही सोर थ्रोट का जो पेशेंट होगा उसके गले में काफ़ी पेन रहेगा, गले पर आप हाथ लगाकर भी महसूस कर सकते हो कि गले में इन्फ्लामेशन है। ओके, तो ये कुछ साइन और सिम्टम्स थे सोर थ्रोट के। अब चलते हैं इसकी कौन कौन से होम रेमेडीज़ होती है। तो गाइस जो पहले नंबर पर है वो है कि आप गर्म पानी, जो गुनगुना पानी है उसमें आप नमक डालकर गार्गल कर सकते हो। पहला और सबसे इफ़ेक्टिव तरीका यही है कि आप गुनगुने पानी में नमक डालें और नमक के गरारे करें, दिन में 6 से 8 बार तक आप गरारे कर सकते हैं। अगर आप नमक के गरारे नहीं कर सकते तो मेडिकल स्टोर से आप बीटाडीन गार्गल ला सकते हो, और गुनगुने पानी में बीटाडीन गार्गल का एक ढक्कन आप डालकर उससे भी आप गरारे कर सकते हो। दूसरा है इंसेंशियल ऑयल को आप कोकोनट ऑयल में मिक्स करके आप गले के रीज़न पर मसाज कर सकते हो। तीसरा है कि आप गरम चाय, जो अदरक की चाय है, तुलसी की चाय, आप उसको पी सकते हो, उससे भी आपको काफ़ी ज़्यादा रिलीफ मिलेगा।
और चौथा है विटामिन सी ज़्यादा भरपूर मात्रा में लें। जो भी आपका खाना पीना है, जो भी आपकी सॉलिड डाइट थी, आप उसको एक बार बंद कर दें। आप हल्का खाना लें, सेमी सॉलिड डाइट लें, हो सके तो एक से दो दिन तक आप लिक्विड डाइट ही लें, जिससे आपको आराम मिलेगा और आपकी जो गले में इन्फ्लामेशन थी उसको भी थोड़ा टाइम मिलेगा हीलिंग करने के लिए। और विटामिन सी जब ज़्यादा आप भरपूर मात्रा में लोगे तो आपकी जो बॉडी की हीलिंग प्रोसेस है वो भी काफ़ी ज़्यादा तेज़ हो जाती है। और आगे बात करते हैं सोर थ्रोट के ट्रीटमेंट के बारे में कि इसके ट्रीटमेंट में कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ की जाती है। तो गाइस देखिए, अगर आपको सोर थ्रोट का इन्फेक्शन वायरस के कारण है, वायरल इन्फेक्शन के कारण आपको सोर थ्रोट हुआ है, तो उसके लिए आपको कोई भी मेडिसिन की ज़रूरत नहीं होती है। सोर थ्रोट का जो वायरल इन्फेक्शन है वो मैक्सिमम 8 से 10 दिन के बीच में ख़त्म हो जाता है। तो आपने सिर्फ अच्छी डाइट लेनी है, विटामिन सी को ज़्यादा मात्रा में लें और आपकी बॉडी खुद उस वायरल इन्फेक्शन से लड़ लेगी और सोर थ्रोट की जो प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएगी। ठीक है, अगला है अगर आपको बैक्टीरियल इन्फेक्शन है। सामान्यतः जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है वो स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से होता है और सोर थ्रोट इस कंडीशन में अपने आप ठीक नहीं होता। उसके लिए आपको कुछ एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत होती है, साथ ही आपको कुछ एंटीपायरेटिक और एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन की भी ज़रूरत होती है। साथ ही कई बारी जो सोर थ्रोट है गाइस वो GERD के कारण भी होता है। GERD एक ऐसी कंडीशन है जहां पर आपका जो स्टमक जूस है वो इसोफेगस के थ्रू आपके गले तक पहुँचता है और वहाँ पर इन्फ्लामेशन कर देता है और ऐसी कंडीशन में भी सोर थ्रोट हो जाता है। और अगर आपको ज़्यादा एसिडिटी की प्रॉब्लम है, आपको गैस तेजाब ज़्यादा बनता है, तो आप इजीली आइडिया लगा सकते हो कि आपको GERD के कारण आपको सोर थ्रोट हुआ है और उस कंडीशन में आपको कोई भी एंटी एसिड जेल लेनी है या फिर आप कोई भी एंटी एसिड कैप्सूल ले सकते हो। सोर थ्रोट अगर ज़्यादा है तो आप कोई भी एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग यूज़ कर सकते हो। अब बात करते हैं बैक्टीरियल इन्फेक्शन के कारण, स्ट्रेप्टोकोकस के कारण अगर आपको सोर थ्रोट हुआ है तो उसके लिए आप कौन सी मेडिसिन ले सकते हो। तो जो बैक्टीरियल इन्फेक्शन है जो कि स्ट्रेप्टोकोकस नाम के बैक्टीरिया से होता है, उसके लिए आपको एंटीबायोटिक्स देने होंगे। और एंटीबायोटिक्स में देखिए, आप अमोक्सिक्लेव 625 mg की टैबलेट्स को यूज़ कर सकते हो या फिर आप एजी 250 mg की टैबलेट को यूज़ कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इन सारी मेडिसिन का आपको नाम ईजिली मिल जाएगा, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लेना। ओके, जो मैं सोर थ्रोट के पेशेंट्स में जो मेडिसिन यूज़ करता हूँ वो है एजी 250 mg की टैबलेट और सुबह शाम देनी होती है। एडल्ट डोज है गाइज, ये बच्चों के लिए ट्रीटमेंट नहीं बता रहा। अगर आपको बच्चों के लिए ट्रीटमेंट चाहिए तो आप कमेंट करना, कमेंट बॉक्स में मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। ओके, तो जो एडल्ट डोज है वो है 250 mg की टैबलेट एजी, और आपने ये टैबलेट खाना खाने के बाद पानी के साथ सुबह शाम लेनी है। साथ ही अगर आपको गले में ज़्यादा दर्द है तो आप इन्फ्लामेटरी ड्रग को भी यूज़ कर सकते हो, आपने डाइक्लोएस्पी टैबलेट को यूज़ करना है। ये टैबलेट आप सुबह शाम लेंगे। साथ ही लिमसी की टैबलेट आती है, लिमसी जिसमें विटामिन सी ज़्यादा होता है, ये टैबलेट आपने दिन में 3 बार यूज़ करनी है। ठीक है, और अगर आपको गैस तेजाब की ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है तो आप मिक्यून जेल को भी यूज़ कर सकते हो, 2 चम्मच दिन में 3 बार। लेकिन अगर आपको गैस तेजाब की ज़्यादा शिकायत नहीं है तो आप पेंटोसिट 40 mg की टैबलेट को सुबह खाली पेट यूज़ करना, फिर आपने नाश्ता करने के बाद एजी 250 mg की टैबलेट को यूज़ करना है, साथ ही डिक्लोएसपी की टैबलेट को यूज़ करना है। ओके, लिमसी की टैबलेट आपने दिन में 3 बार यूज़ करनी है, सुबह, दोपहर और शाम को। वैसे तो गाइस देखिए, इस टैबलेट के कोर्स से आपको पहले ही दिन में आराम मिल जाएगा। जो भी आपको प्रॉब्लम हो रही थी वो आपको पहले ही दिन से आपको फ़र्क लगने लग जाएगा। लेकिन इसका जो कोर्स है वो 5 दिन का मैक्सिमम होता है, तो आपने 5 दिन तक इन टैबलेट्स का यूज़ करना है, आपने इनको बीच में नहीं छोड़ना। और ज़्यादा मात्रा में आपने लिक्विड डाइट को लेना है, सेमी सॉलिड डाइट भी आप ले सकते हो, लेकिन सॉलिड डाइट को आपने बंद करना है।
जब तक आप इस कोर्स को पूरा नहीं करते। तो गाइज आज की वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ ये वीडियो आपके लिए काफ़ी यूज़फुल और बेनिफिट रखती होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना, साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर देना। तो गाइज मुझे आपका कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए स्टे हेल्दी स्टे